कौनसे रंग है, मैंने आपको उसकी समझ दी थी चित्र निदर्शन के द्वारा। मैंने फल और फूल भी आपके चित्र निदर्शन के द्वारा मैंने आपको बताया था कि कौन सा फल है, हम उसे खाने से क्या फायदा होता है, मैंने आपको बताया था। तो चलो अब हम चित्र के दौरान उसकी समझ ले। किस रंग का होता है? ये हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? देखो ये
चलो बच्चों देखो यहाँ फल और फूल, मैंने आपको जूम में, मैंने आपको जो ऑनलाइन बनाया था उसमें मैंने आपको ये फल और फूल दिखाकर मैंने उसकी समझ दी थी। देखो यहाँ ये आम, आम यानी कैरी, ये आम का चित्र है, आम यानी कैरी। फिर ये केला, ये केले का चित्र है, केला यानी केड़ू। फिर ये सेब, सेब यानी सफरजन। फिर ये अनार, देखो यहाँ अनार, मैंने आपको बताया था ना ऑनलाइन में, अनार यानी दड़म। फिर ये अंगूर, देखो यहाँ अंगूर यानी द्राक्ष, द्राक्ष हरे और काले रंग की भी होती है, अंगूर यानी द्राक्ष। फिर ये संतरा, संतरा यानी संतरू। फिर आगे देखो मौसम्बी, मौसम्बी यानी मौसम्बी। फिर ये अमरूद, अमरूद यानी जामफल। चीकू, चीकू यानी चीकू। फिर ये जामुन, देखो यहाँ जामुन यानी जामुन। पपीता, पपीता यानी पपयू। फिर ये तरबूज, तरबूज यानी तरबूज। बच्चों मैंने ये सभी फल आपको मैंने जूम क्लास में, मैंने जो ऑनलाइन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको दिखाकर उसकी समझ दी थी। अब हम फूल देखें। देखो बच्चों यहाँ नीचे फूलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और गुजराती नाम पढ़िए। मैंने आपको ये सभी फूल दिखाकर उसकी समझ दी थी। देखो यहाँ ये गुलाब का चित्र है, गुलाब यानी गुलाब। कमल, कमल यानी कमल। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी यानी सूरजमुखी। गेंदा, गेंदा यानी गलगोटो। गुड़हल, गुड़हल यानी जासूद। मोगरा, मोगरा यानी मोगरो। अब चलो मित्रों अब हम इकाई 11 की समझ ले। देखो बच्चों यहाँ इकाई 11 तिरंगा झंडा, मैंने आपको बताया था जूम क्लास मैंने जो दूसरा लिया था उसमें हमने तिरंगा झंडा यानी कि हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। देखो यहाँ ये किसका चित्र है, देखो यहाँ यह तिरंगे का झंडा है, ये तिरंगे झंडे का चित्र है। फिर ये देखो यह स्वतंत्र भारत का झंडा है, ये कौन से देश का झंडा है, ये स्वतंत्र भारत का झंडा है। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है, ये आपड़ो शू छे, आपड़ो राष्ट्र ध्वज है। इसमें तीन रंग है, देखो यहाँ केसरी, बीच में सफेद और नीचे हरा। देखो ये तीन रंगों के कारण ही इसे क्या कहते हैं बच्चों, मैंने बताया था आपको ये तीन रंगों के कारण ही इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। सफेद रंग के पट्टे में एक नीले रंग का चक्र है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, मैंने आपको उसकी भी समझ दी थी। देखो ये नीले रंग का अशोक चक्र है, कौन सा चक्र, अशोक चक्र है, इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। ये और ये राष्ट्रध्वज 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते है। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे देश की क्या है, शान यानी कि गौरव है, अपना देश नु सूचे गौरव छे। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, आपने शू करव जो आपो जो राष्ट्र ध्वज है तेने आदर अने मान आपव जो। तो बच्चों चित्रों के दौरान मैंने आपको समझ दी और तिरंगे झंडे के बारे में भी आपको समझ आ गई होगी, मैं आशा रखती हूँ। तो चलो बच्चों अब हम उसका एक पुनरावर्तन करें। देखो यहाँ फूलों और फलों के पास उनके गुजराती नाम लिखिए। देखो यहाँ फूलों और फलों के हिंदी नाम दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उसका गुजराती नाम लिखना है। मैंने आपको बताया था आम, आम यानी Bye.
राष्ट्र ध्वज में देखो यहाँ ये हरी जगह है और उसके प्रश्न भी दिए जाएंगे कि आपको इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे तिरंगे झंडे में कितने रंग है, तो आपको लिखना है 3 रंग। फिर ऐसा आए कि तिरंगे झंडे में तीसरा रंग कौन सा है, तो उसका उत्तर है हरा। आपको इसी तरह वर्कशीट पूर्ण करनी है। देखो बच्चों आपकी जगह